आपके तकरीर सुनी, तो उसके बाद मेरा भी दिल हुआ कि मैं भी कुछ पॉइंट उनको बताऊंगा। मुर्तज़ा खान का जो स्कूल था, काफ़ी अच्छे से मैं देख रहा था, मुझे इतना नहीं पता था जितने मैंने आज बच्चे जोश देखे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई है चीज़ सुन देख के और सुन के इनकी चीज़ें। आपके ब्राइट स्कूल के जो ऑफिशियल हैं, ऑफिसर्स हैं, वो बता रहे थे कि इनकी ब्रांचेस काफ़ी सारे स्कूलों में खुली हुई है। मुझे इस बारे में नहीं मालूम था पहले से, तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आप लोग चौक आज़म जैसे इलाके में आपने अपना स्कूल बनाया हुआ है और इतनी अच्छी तालीम आप लोगों को दे रहे हैं, तो मुझे बड़ी इस बात की खुशी है। मैं यहाँ पर दो बातें कहना चाहूँगा। देखिए, मैंने जितना आज तक किसी भी इंसान की किस्मत को बदलते देखा है, वो तालीम की वजह से बदलते देखा है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो तालीम के बगैर ऊपर चला गया। चाहे जब 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमान बिल्कुल तबाह हो गए थे, तब भी सर सैयद अहमद खान ने तालीम की वजह से लोगों को सबसे आगे किया था। और उन पर मुख्तलिफ फतवे भी लगे, मुख्तलिफ बातें भी हुई उनके बारे में, लेकिन उन्होंने लोगों को तालीम के ऊपर जोर दिया, मुख्तलिफ इदारे बनाए, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई, उसके अलावा साइंटिफिक एसोसिएशन बनाई, जिधर लोगों को तालीम के जरिए उनको अंग्रेज़ों और हिंदुओं के मुकाबले में लाने की कोशिश की गई। तो मेरी ये दो रिक्वेस्ट है यहाँ पर सीओ साहब से कि एक स्पेशली जो हमारे मैट्रिक के स्टूडेंट हैं और नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट हैं, उनकी जो कैरियर काउंसलिंग है उस पर स्पेशली फोकस किया जाए। एफ एस सी करने के बाद आगे निकलते हैं तो किसी को कोई पता नहीं होता कि हमने आगे क्या करना है। बस गए इंजीनियरिंग की, मेडिकल की और बस निकल के चले गए। उसके बाद आगे जॉब का क्या हालत है, डीसी की क्या हालत है, कोई इस बारे में बात नहीं करता। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है इनसे कि इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा फोकस करें। और दूसरी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हमारे गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं सरकारी इदारों को बेहतर करने के लिए, स्पेशली 20 मॉडल स्कूल के बारे में हमारा बड़ा मेन किरदार है उसके अंदर, क्वालिटी एजुकेशन और क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन को बेहतर करने के बारे में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी दिन आप अपना बंदा हमारे साथ भेजें ताकि हमारे जो सरकारी इदारे हैं उनके अंदर भी आप लोग मजीद जो जितनी बेहतरी करवा सकते हैं हमारे साथ मिल के वो करवाएँ।